हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। आज के इस वीडियो में आप लोगों की जो प्रॉब्लम है, करीब 7-8 क्वेश्चन है, उसका हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है टेस्ट पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर 4, क्लास 6। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट में टीपी लिख दे, मतलब टेस्ट पेपर 5 का है ना, जो कि आरएस अग्रवाल क्लास 6 का है, जो पेज नंबर हमें दे रखा है 103 पर। और इसको पूछा है इंडिक्स गेमिंग नाम से कोई चैनल है, उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन 4 ये है, रिप्रेजेंट 2 and 3/5 ऑन नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन को क्या करें, फर्स्ट वी विल चेंज मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 5 का मल्टीपल 2 में 5 × 2 कितना हो गया 10 प्लस 3 13, तो 13/5 आ गया। इसको हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। ये देखो क्या है, 2 और 3 के बीच में 2 होल है और 2 के बाद होल नंबर क्या था 3, तो 2 और 3 के बीच में होगा। तो हमने एक सिंपल मेथड बताया आप लोगों को, कोई भी नंबर हो कैसा भी हो, इसको ड्रॉ करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पहला तरीका ये देख लो कि वो नंबर किस किस के बीच में पड़ रहा है। ये पड़ रहा है 2 और 3 के बीच में, तो या तो एक तरीका आप 2 और 3 ले लो, उसके बीच में कर लो, या आप पूरा शो करना है तो पूरा शो कर लो। हमने क्या बताया था, एक हॉरिजेंटल नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है ना, और इक्वल डिस्टेंस पर मार्क लगा दो। मैं हाफ हाफ सेंटीमीटर पर मार्क लगा रहा हूं, मैंने हाफ ऑफ सेंटीमीटर पर मार लगा दी, क्लियर। ये आप कहीं भी मान लो ये नंबर लाइन का 0 है, ये लिया। अब ये ईच जो हमने मार्क लगाए हैं, डिनोमिनेटर में देखो क्या है, डिनोमिनेटर में 5, तो बस हो गया काम हमारा। ये पहला बॉक्स होगा 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5, ये 5/5। 5/5 का मतलब क्या है, 5/5 लिखोगे तो 5 से 5 कैंसिल आ गया 1, तो ये नंबर लाइन का 1 हो गया। ये 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 10/5 देखो क्या हो गया, 5 से 10 2 टाइम कैंसिल, ये नंबर लाइन का 2 हो गया। ये 12/5, ये 13, यही चाहिए था 13/5, तो 13/5 ये रिप्रेजेंट हो गया 2 and 3/5। 14/5, ये 15/5, 15/5 का मतलब 3, ये नंबर लाइन का 3 है, बस हो गया रिप्रेजेंट। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या देखना है, इक्वल डिस्टेंस पर हमें मार्क करने, कोई भी नंबर हो उसको ऐसे ही करना है, इक्वल डिस्टेंस मार लगा दो। फिर डिनोमिनेटर देखो, अगर 7 होता तो ये मार होता 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, समझ में आ गया। ऐसे किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो मुझे गेमिंग नाम से, इंडिक्स गेमिंग नाम से जिसका भी चैनल है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट है क्लास 6 का ही क्वेश्चन नंबर 21, एक्सरसाइज 9B। और ये आलोक पटेल जी ने पूछा नहीं है, बल्कि उन्होंने बताया क्वेश्चन इज रॉन्ग। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने कई बार मैंने इसकी वीडियो बना के अपलोड करी है, तो आप स्टूडेंट प्रॉब्लम नाम की वीडियो से देखना। एक्चुअली ये क्वेश्चन जब मैं कर रहा था तो यहाँ मैं बाई मिस्टेक n/4 की जगह n/5 लिख किया था, है ना। तो जब यहाँ मिस्टेक कर दी तो आंसर तो गलत आएगी, तो आप 4 लिख के सॉल्व कर लीजिए, समझ में आई गया हुआ है ना। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि कई वीडियो मैंने करा है मैं, चलो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस क्वेश्चन का लिंक दे दूंगा जो मैंने अपलोड करा हुआ है ना, तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 टेस्ट पेपर 4 क्लास 7th आरएस अग्रवाल में, जो कि पेज नंबर 82 पर है। ये एम के बॉस नाम से किसी का चैनल है या आईडी है, उन्होंने पूछा है और ये लिखा है आंसर नॉट मैच। मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा, मैं समझ गया इसका आंसर है ना, आंसर ही गलत है, मैं दोबारा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, क्वेश्चन नंबर 5 था 4, एक सेकंड में एक टेस्ट पेपर 4 का क्वेश्चन 5 है, टेस्ट पेपर 4 है। ओके, क्वेश्चन 5 ये है, अ कार इज मूविंग एन एवरेज स्पीड। तो स्पीड ऑफ गाड़ी कार कितनी दे रखी है, स्पीड ऑफ कार या एवरेज स्पीड ऑफ कार, इट इज गिवेन 56 and 3/5 किलोमीटर पर आवर।
इसका मतलब एक घंटे में इतनी किलोमीटर गाड़ी डिस्टेंस तय करेगी, कार जो है ना। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 7n/2 hr, और टाइम हमें दे रखा है 7n/2 hr। इसको तो सीधा मल्टीपल करना है और कुछ नहीं करना, इसका आंसर ही गलत है ना। तो देखो डिस्टेंस कवर बाय कार, डिस्टेंस कवर बाय कार, डिस्टेंस का फॉर्म होता है स्पीड इंटू टाइम, 56n3/5 इंटू 7n/2 किलोमीटर, बस ये आंसर होगा। इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 5 6 30 कैरी 3 5 5 25 और 3 28 280 और 3 283/5, ये कितना हुआ 2 7 14 और 1 15 15 अपॉन 2, 5 से कैंसिल कर 5 5 3 3 का मल्टीपल कर दें, 3 3 9 3 8 24 कैरी 2 3 2 6 और 2 8 849/2, आंसर इसका आता है 423। तो आंसर 423 नहीं होगा बल्कि ये होगा, 2 का डिवाइड करें 2 4 8 2 2 4 2 4 8 1/2 या 424.5 किलोमीटर, यही इसका आंसर है। आंसर सीट में जो आंसर दे रखा है इट इज रॉन्ग आंसर। ओके, तो गाड़ी द्वारा जो कार है उसने 7n/2 hr में कितनी डिस्टेंस कवर करी, अगर इसकी स्पीड 56 3/5 किलोमीटर/hr है तो ये डिस्टेंस इतना करी। मैंने दोनों बुक में चेक कर लिया, दोनों में आंसर गलत है। दोनों बुक में इसलिए चेक करा क्योंकि ओल्ड एडिशन न्यू एडिशन में थोड़ा कुछ क्वेश्चन में डिजिट्स में अंतर है, तो हो सकता था कि शायद डिजिट्स में अंतर हो, लेकिन बोथ एडिशन में सेम यही दे रखा है और आंसर भी दोनों में यही दे रखा है, कितना 423, तो दैट आंसर इज रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ तो ये था ना एमके बॉस, ओके क्लियर ना, ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया होगा इसका आंसर ही गलत है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5C क्लास 7 RS अग्रवाल में, जो कि पेज नंबर 94 पर है, और इसको पूछा है रूपम कुमारी ने। ओके रूपम जी, आप देखिए इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमने एक एक्सपोनेंट में एक ही फॉर्मूला पड़ा हुआ है, a अपॉन b रेस टू द पावर -1 या -n कर लें, तो क्या होता है बी अपॉन ए रेस टू द पावर एन, यानी कि नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव करनी है, पॉजिटिव ही करते हैं उसके बाद ही सॉल्व होता है, तो इनका रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल हो जाता है अगर न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, ये पलट जाते हैं सीधी सी बात है, तो ए अपॉन बी का रेसिप्रोकल होता है बी अपॉन ए, तो हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव, तो हो जाएगा 4/3 और पावर होगी +1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा -4/1/1 लिखो या मत लिखो ये आपकी चॉइस है, ये तो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या सॉल्व हो गई, इसकी भी होल पावर है -1। ओके रूपम जी ध्यान से समझना, हमने क्या करा 3 और 1 का एलसीएम आ गया 3, 3 का डिवाइड 3 1 टाइम्स, 1 × 4 आएगा माइनस, 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम्स और 3 4 12 ये आ गया पावर -1 है, तो कितना हुआ 4 में से 12 सबट्रैक्ट करेंगे तो -8/3 raised to the power -1, फिर वही लगा दो a/b raised to the power -n = b/a raised to the power n, तो ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 3/-8 और पावर +1। अब होता क्या है रेशन नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है नेगेटिव इज कम ऑलवेज विद नोमिनेटर, तो माइनस का साइन या तो बीच में लिख लो या नोमिनेटर के साथ, तो ये इसका आंसर हुआ -3/8, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जो कि ऑप्शन बी में गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके रूपम हमें उम्मीद है आपको ये अब समझ में आ गया होगा, एक बार आप देख लीजिए दोबारा से। ओके नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 टेस्ट पेपर 5 क्लास 7 RS अव्वल मैथ, जो कि पेज नंबर 96 पर है, और इसको दो लोगों ने पूछा है अशोक शर्मा और हरिनाथ झा, तो अशोक जी और हरिनाथ झा। ओके करते हैं, मुझे लग रहा है आपका कोई और क्वेश्चन होगा, शायद ये नहीं होगा, चलो मैं ये भी कर देता हूँ, अगर कोई और क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्लास 7 का ही पूछा है ना आपने,
तो मैं क्लास सेवन के करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर एट, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले कौन सी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ए अपॉन वी रेज टू द पावर माइनस एन, जो ऊपर वाले सवाल में था बिल्कुल सेम, बी अपॉन रे बी अपॉन ए रेज टू द पावर प्लस एन। तो पावर माइनस है तो सबसे पहला काम हमारा होता है पावर को पॉजिटिव करना, वो कैसे करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल लिख लो, यानी कि ब्रैकेट में जो भी है इसको ऊपर नीचे कर दो, रेसिप्रोकल लिख दो, पावर होगी थ्री। इसका मतलब क्या है, फोर इंटू फोर इंटू फोर, और माइनस थ्री का मतलब माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, तो कितना हो गया, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन, ठीक है ना। अब ये देखो ऑप्शन में देखोगे तो ये ऑप्शन में दिया नहीं है, या कभी कभी क्वेश्चन ऐसी दे दे कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो रेशन नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये माइनस ऊपर कैसे पहुंचता, हो सकता है कोई डाउट हो तो हमें मालूम, हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम संख्या से मल्टीपल कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया माइनस सिक्सटी फोर और माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी सेवन, तो ऐसे आता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव हमेशा हम न्यूमिनेटर के साथ ही लेते हैं। तो ये इसका आंसर हुआ माइनस सिक्सटी फोर अपॉन ट्वेंटी सेवन, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मुझे उम्मीद है अशोक शर्मा और हरिनाथ झा आप दोनों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, एक्सरसाइज सेवन सी, क्लास सेवन आर एस अग्रवाल, जो कि पेज नंबर 117 पर है, और इसको पूछा है सुगंधा भारती जी ने। तो ओके सुगंधा जी, आप ये समझिए, इनके दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 17, पहले 10 करते हैं सुगंधा जी, फिर उसके बाद हम 17 करेंगे। ओके सुगंधा, आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है, द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 36। ओके मैं समझ गया, मैंने शायद पहले वीडियो जब बनाई थी ये क्वेश्चन करा था, मैंने शायद ऑप्शन लेके कर दिया था, ऑप्शन लेके समझाया था शायद, मैंने अभी वीडियो देखी नहीं है, चलो मैं इसको डिटेल में कर देता हूं, जो आपने पूछा है। तो देखो टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव का लगातार, अगर एक हमारे पास ऑड नंबर सेवन है तो दूसरा सेवन के बाद ऑड नंबर क्या आएगा, नाइन, तो नाइन होगा, या एक अगर 113 है तो दूसरा क्या होगा 150। तो ऑड नंबर या इवन नंबर कैसे आते हैं, अगर एक मालूम, मान लो एक इवन नंबर सिक्स है तो दूसरा क्या आएगा, इस पर प्लस टू कर दो, प्लस वन करने पर ऑड आएगा, अगर एक ऑड नंबर सेवन है तो दूसरा जस्ट बाद वाला क्या होगा, नाइन, तो चाहे वो इवन नंबर हो चाहे ऑड, एक मालूम तो दूसरा क्या होगा, प्लस टू कर दें, तो यहां पर ऑड नंबर मान लेंगे एक x है तो दूसरा x प्लस टू। लेट टू कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता लगाता है ना, लेट टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर x एंड x प्लस टू। जब मैंने पहले ये एक्सरसाइज करी थी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम 2n प्लस 1 या 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 ही माने, क्योंकि कायदे से क्या होता है, ऑड नंबर की फॉर्म होती है 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3, इससे कोई कंपल्सरी नहीं, आप ऐसे करोगे तब भी आंसर आएगा, मैं इसलिए शॉर्ट में मान के ये कर रहा हूं, और ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है ना। तो हमने दो नंबर मान लिए, एक x है तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा, x प्लस 2। अब इनका सम दे रखा है, द सम ऑफ टू ऑड नंबर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम का मतलब इन दोनों को प्लस कर दें, फर्स्ट ऑड नंबर प्लस सेकेंड ऑड नंबर। ओके सुगंधा, तो ये इक्वल किसके आएगा, इन दोनों को जब हमने ऐड करा, इसका सम हमें दे रखा है द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज 36, तो ये 36, ठीक है। तो x प्लस x कितना हो गया 2x, प्लस 2 को जब हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड तो प्लस का हो जाएगा साइन, माइनस में तो माइनस 2, तो 2x इज 36 में से 2 सेपरेट करेंगे 34, तो वैल्यू ऑफ x इज 34 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो गया 17। पूछा क्या है, द स्मॉलर वन, छोटा वाला, एक तो 17, दूसरा क्या होगा जब इसमें ऐड करोगे दूसरा आएगा 19, स्मॉलर पूछा है, स्मॉलर यही है, तो स्मॉलर ऑड नंबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्मॉलर नंबर इज 17, जो कि हमें ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके सुगंधा, मुझे उम्मीद है अब ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप ही की एक प्रॉब्लम है इसी एक्सरसाइज की, एक और प्रॉब्लम है, कहाँ चला गया, क्वेश्चन नंबर 17। ओके मैंने कहीं पेपर पर लिख रहे हैं, देख रहा था, क्वेश्चन नंबर 17। ओके सुगंधा भारती, आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 17। ओके सुगंधा जी, देखिए सुगंधा भारती, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 17,
एक्सरसाइज 7C क्लास 7th आरएस अग्रवाल मैथ जो कि पेज नंबर 117। क्वेश्चन का नंबर ओके ये नंबर ये क्वेश्चन पता नहीं क्या है, इसमें कई लोग पूछते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, या तो कुछ समझ में डाउट होता है आप अच्छे से समझ लो, दोबारा समझाते हो ना, ये कई लोग कई बार पूछते हैं, मैंने देखा इस क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस में। देखो क्वेश्चन ये है, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5, कोई नंबर है उसमें हमने 5 से मल्टीपल कर दिया तो वो क्या होता है, अपने से 80 बढ़ जाता है, कि इंक्रीज वाई 80, यानी कि 80 बढ़ गया, अगर 8 है तो 88 हो गया, अगर 1 है तो 89 हो गया, अगर 10 है तो 90 हो गया, 80 बढ़ने का मतलब जो नंबर है उसमें 80 प्लस हो गए। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, या लेट नंबर बी एक्स, ओके हमने मान लिया नंबर एक्स है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5, जस्ट हम 5 से मल्टीपल करें तो नंबर क्या हो जाएगा, आफ्टर, चलो डिटेल में लिख दे रहा हूं, आफ्टर मल्टीप्लाइड बाय 5 नंबर विल बी नंबर विल बी 5x। ओके अब ये जो नंबर है 5x, ये क्या हुआ, जो नंबर था, नंबर तो ओरिजिनल x था, इससे ये 80 बढ़ गया मल्टीपल करने पर, यानी कि ये दोनों सेम होंगे, जब 5 का मल्टीपल नंबर में कर रहे हैं 5x हो गया, और ये किसके इक्वल है, जो नंबर था ओरिजिनल उससे 80 बढ़ गया, अगर 10 था तो 90 होता, 90 इक्वल टू क्या होगा 10 प्लस 80, समझ में आ गया, अगर 5 था तो 80 बढ़ गया तो 85 हो गया, तो 85 का मतलब क्या, ओरिजिनल नंबर ये था और जितना बढ़ गया वो लिख दें, मल्टीपल करने पर ये अगर 85 हो जाता है, तो एग्जाम्पल नंबर तो अलग आएगा 20 आएगा ना, ये तो मैं समझा रहा हूँ, अगर कोई नंबर 1 है इसमें हमने 5 से मल्टीपल करा, मान लो 81 हो गया, मतलब इसके हिसाब से ना, क्योंकि 1 था 80 बढ़ रहा है, तो जो ये नंबर है किसके इक्वल होगा, ओरिजिनल नंबर प्लस 80, तो वही हमने लिखा, मल्टीपल करने पर नंबर आया 5x, और ये किसके इक्वल है, ओरिजिनल नंबर जो था माना हमने x, उसमें 80 इंक्रीज हो गया, यानी कि 80 प्लस हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, बस हो गया सॉल्व, 5x माइनस x इज इक्वल 80, 5 में x में से x सबट्रैक्ट करेंगे तो 4x इज इक्वल 80, तो x इक्वल क्या हो गया 80 अपॉन 4, 4 से 80 20 टाइम्स कैंसिल, तो x इज इक्वल 20, तो रिक्वायर्ड नंबर जो नंबर है, नंबर क्या है 20, जरा मैं इसको चेक कराता हूं तो और इजीली समझ जाएगा। देखो नंबर 20 था, इसमें 5 से मल्टीपल करें तो 25 या कितने होते हैं 100, ये किसके इक्वल है, जो ओरिजिनल नंबर था उससे 80 बढ़ गया, देखो 20 में 80 कर दो 100 आ गया, 100 इक्वल टू 100, आंसर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 11B, 11 तो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, हाँ ये भी क्लास 7th आरएस अग्रवाल मैथ का है, जो कि हमें पेज नंबर 159 पर गिवन है, और इसको पूछा है जय सिंह ने। ओके जय सिंह, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लें फिर हम आपको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, अ वेंडर वॉट लेमन एट 6 फॉर आर रुपीज, इसका तो समझ आया, वॉट खरीद रहा है वाई है, यानी कि कॉस्ट प्राइस रखा, कितना 6 फॉर ए रुपीज, चलो मैं लिख लूं पहले फिर आपको डिस्कस करेंगे, नहीं समझ में आया इसलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे, 6 फॉर आर रुपी ये खरीद रहा है, परचेस कर रहा है कि 6 लेमन 1 रुपीज में खरीदता है, ये तो मैंने क्वेश्चन कुछ नहीं है ना, एंड सोल्ड देम 4 फॉर आर रुपीज, और सेलिंग प्राइस क्या दे रखा, 4 लेमन बेच रहा है 1 रुपीज में, 4 आर रुपी यानी कि 1 रुपी में वो 4 लेमन बेच रहा है, हिज गेन इज 50% 40% 33 and 1/3% या 16 and 2/3%, प्रॉफिट एंड लॉस का है, खैर ऑप्शन से मतलब नहीं, हमें आना चाहिए कैसे हुआ ये सवाल। देखो इस तरह के सवाल में क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि हमें लेमन तो पता नहीं है कुल कितने लेमन खरीदे, तो हम प्रॉफिट और लॉस निकालें कैसे, है ना। तो देखो अगर हमें कॉस्ट मालूम है, कॉस्ट यहाँ दोनों दे रखी है, सेलिंग प्राइस भी दे रखी है और कॉस्ट प्राइस भी दे रखी है, नहीं दे रखी है, घुमा के दे रखी है, कैसे बताते हैं, 6 क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है फॉर
रुपी मतलब 1 रुपीज में, 1 रुपये में 6 लेमन परचेज कर रहा है और 1 रुपये में बेच कितना रहा है, 4 लेमन। तो यह तो क्लियर हो गया कि 1 रुपये में खरीद 6 रहा है, 1 रुपये बेच 4 रहा है, 2 लेमन बचे, 2 लेमन का उसको प्रॉफिट हो रहा है। जो भी कॉस्ट होगी 1 लेमन की, 2 से मतलब टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट है, ये तो क्लियर है ना। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन लिखा था कि प्रॉफिट और लॉस में साफ साफ लिखा है कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब इसके 2-3 तरीके हैं, मैं एक सिंपल सा तरीका बता दूँ। एक तरीका क्या होता है कि जितने लेमन खरीद रहा हो और जितने बेच रहा हो, जो आपकी बुक में हिंट भी दे रखा है, उनका एलसीएम निकाल लो, 6 और 4 का एलसीएम 12। तो मान लेते हैं टोटल लेमन उसने कितने खरीदे, 12 है ना, 12 खरीदे। तो 6 खरीदता है 1 रुपये में, तो 12 कितने में खरीदेगा। चलो दोनों तरीके से करता हूँ, पहले इसलिए कर रहा हूँ। तो एलसीएम 2 तरीके से करूंगा मैं, 6 और 4, ये आ गया 12। तो हम ये मान लेते हैं कुल उसने 12 लेमन खरीदे, तो 12 खरीदेगा 12 बेचेगा, 6 खरीदता है 1 रुपीज में, तो 12 कितने में खरीदेगा, 2 रुपीज में, सीधी सी बात है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 लेमन, लेमन थे हाँ, लिख दूं डायरेक्ट, 6 खरीद रहा है 1 रुपीज में, तो डबल हो गया, डबल हो जाएगा, तो कितना हो गया, 2 रुपीज कॉस्ट हो गई। अब जरा सेलिंग प्राइस निकाल लें, जितने खरीदे उतने बेचेगा तभी तो पता चलेगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 4 लेमन बेचता है 1 रुपीज में, 1 बेचेगा 1/4 में, और 12 बेचेगा, ये 4 से कैंसिल हो गया, 3 रुपीज में आ गया, 2 रुपये में खरीद के 3 रुपये में बेच दिए। प्रॉफिट कितना हो गया, सेम प्रॉफिट या गेन एक ही बात होती है, 2 रुपये में खरीदा 3 रुपये बेच दिया, या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ गया 1 रुपीज। तो गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है 2, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो यानी कि 50% इसको प्रॉफिट हुआ। क्लियर, किसने पूछा, जैसिंग क्लियर है। अब देखो इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, इतना लंबा चौड़ा क्या जरूरत है, कोई मानने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ ही कर सकते थे, इसको आगे यहीं करता हूँ। हमें यह मालूम है 6 परचेस कर रहा है 1 रुपीज में, तो 1 लेमन का कॉस्ट प्राइस निकाल लो, CP ऑफ 1 लेमन क्या होगा, 6 खरीदता है 1 रुपीज में, तो 1 खरीदेगा 1/6 में, सीधा 1/6 रुपीज। इसी तरह से सेलिंग प्राइस निकाल लो, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन, 4 बेच रहा है 1 रुपीज में, यानी कि 4 लेमन का सेलिंग प्राइस देखा है 1 रुपए, तो 1 का क्या होगा 1/4 रुपीज, 1/6 बड़ा है कि 1/4, जो न्यूमिनेटर सेम हो, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो SP इज ग्रेटर देन CP, तो गेन होगा। तो गेन कितना, गेन या प्रॉफिट एक की बात होती है, गेन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, देखें कितना आ गया, 6 और 4 का एलसीएम 4, 4 3 जा 6 2 जा, 1/12 रुपीज का गेन हो गया। अब बस फॉर्मूला लगा दो, गेन परसेंट होता है गेन, गेन है 1/12 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1/6, ये मान लो 6 ऊपर चला जाता है, तो 6 × 100/12, 6 से 2 आर कैंसिल, 2 से ये 50, तो कितना आ गया 50% गेन। ओके, तो आज के वीडियो में इतनी ही प्रॉब्लम थी, जैसे मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर दिया करो, कहीं है ना कि हम लोग वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो आप इतना कर दिया करो कि हाँ हमें समझ में आ गया, हमें ही लगता है कि पता नहीं स्टूडेंट्स के समझ में आया कि नहीं आया, तो आप लोग देख लेते हैं, हमें थोड़ी संतुष्टि हो जाती है कि हाँ चलो हमारी मेहनत सफल हुई कि बच्चों ने देखा और उनको समझ में भी आ गया। ओके, इसी तरह आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, किसी भी एक्सरसाइज की हो, किसी भी बुक की हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।